जब हम लोग पीरियड पर बोलने से भी हिचकिचाते थे। हम लड़कियों को लगता था कि सिर्फ हमारी पर्सनल चीज़ है ये, जो हम लोगों के किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते। ऑल द पीरियड के टाइम पे होने वाला मूड स्विंग्स, पेन सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। लेकिन अब ज़माना थोड़ा बदल गया है, हम अब धीरे धीरे इस चीज़ को लेके ओपन अप हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पीरियड टाइम का रूटीन, कि मैं अपने पीरियड्स में क्या क्या करती हूँ और क्या क्या नहीं करती हूँ। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। मेरी हर सुबह की तरह ये सुबह भी बच्चों के साथ खेलने के साथ ही स्टार्ट होती है। जिस दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया या रिकॉर्ड किया, उस दिन मेरे पीरियड्स का सेकेंड डे था। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि पीरियड्स का सेकेंड डे थोड़ा सा टफ होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी फ्लो। मुझे पेट में क्रैम्प्स भी आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ना कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, क्योंकि जितना आप इस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे ये सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। तो पीरियड डेज को भी मैं नॉर्मल डेज़ की तरह ही लेती हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं करती या बस सोई रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ ताकि मेरी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे। सो एज यूजुअल हर सुबह की तरह मैंने कॉफी पी। आई एम ऑन माय पीरियड्स तो इसलिए मेरा मुँह ऐसा हो रखा है। बाकी चेयर्स को पी लेते हैं, दिखती है नहीं दिखती। उसके बाद थोड़ा सा काम किया, क्योंकि शूटर और नवाब की वजह से घर में थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो सबको मिलके करना पड़ता है। नवाब बाहर से पत्ते ले आता है कभी कुछ, फिर मुझे इन दोनों को खाना खिलाना है। यूजुअली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो उसमें ब्रेकफास्ट नहीं है क्योंकि मेरी ईटिंग विंडो 12 to 8 है। बट उसके बाद मैं फर्स्ट मील लेती हूँ, एंड पता नहीं क्यों पर पीरियड्स के टाइम पे ना मुझे थोड़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है। आपके साथ भी अगर ये चीज़ होती है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ नहाने, बिकॉज इट्स टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में ना कुछ अलग सी स्मेल आती है। देन एक अच्छी रिलैक्सिंग बाथ लेती हूँ, एंड उसके बाद लास्ट में गर्म पानी से अपनी बॉडी को एक बार वॉश कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर बॉडी में पेन होता है ना, तो वो कई हद तक चला जाता है। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करके देख सकते हो, आई होप आपको भी रिलीफ मिलेगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, पीरियड के टाइम पर मैं अपने बालों में शैम्पूइंग नहीं करती हूँ, मम्मी स्ट्रिक्टली मना करती है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि पीरियड्स के टाइम पर मुझे यूजुअल से ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं अपना लंच जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, एंड इस टाइम पे मेरा जो भी मन करता है ना मैं वो खाती हूँ। कोई भी डाइटिंग वगैरह नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ क्रेविंग्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे खट्टा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो मन करता है मैं वो खा लेती हूँ, एंड ठंडा भी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना ओमेगा 3 ले लेती हूँ, एंड ये मैं डेली बेसिस पे ही लेती हूँ। और आज मैं पीने वाली थी ग्रीन टी, और मैं हनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। खाने को लेके शूटर बहुत 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 ज़्यादा नखरे करता है, जो कि नवाब नहीं करता है। एंड एक सच बात बताऊँ, जब भी मम्मी पापा घर पे नहीं होते तो ये लोग इतने ज़्यादा ओबीडियंट हो जाते हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है समझ ही नहीं आता कि ये क्या है, ये लोग सब समझ जाते हैं या फिर ऐसे ही कर रहे हैं। जी 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 छोड़ो छोड़ो, गुड बॉय, गुड गुड बॉय है, गुड गुड बॉय है। नो टूटू टूटू से ले लो, क्यूटी। एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज गर्ल्स जो भी अपने पीरियड्स के टाइम पे दर्द, मूड स्विंग्स ये सब सहते हैं ना। मेरे को इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ये रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। ज़्यादा कुछ पेन भी नहीं होता, बट
मेरे को पीरियड्स आने से पहले फीवर एंड ये सब हो जाता है। एंड आई होप आप लोगों को जो आज का ये वीडियो था पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हाय हाय जी, तलवे चाट रहा है। बढ़िया सॉफ्ट कर दे मेरे खुरदू रहे थे छत पे। क्या से चाटा जी? ये जी गंदा। अब बढ़िया करके चाट दे बेटा एक बारी। पागल है तू? खुद चाट रहा है भाई। वहां लेट चल ले, लेट चल। अरे यार से बांध दे, दूसरा भी आ जाए। मैं तो कह रही तेरे ऊपर ही। ओए शूटर, ये देख। हट जा सटेरी, सट्टा खेल रहा, हट जा। खेलेगी रोले ना? बस तू खेल ले, मुझे पैसे दे दिए जीत के। मिर्गी मिर्गी मिर्गी। अरे अच्छा ये रहा, इधर वाला मैं छाटता हूं। पागल है क्या? छोटू आप, अकल नहीं आपके अंदर? ये ऐसे कोई रोलेट है यहाँ पे? तलवे चाट में आए हो आप दुनिया में? हैं, इसलिए लाए हम आपको अपने घर कि आप तलवे चाटो लोगों के। हाँ, हाथ क्या पकड़ रहा है मेरा? हेलो करो, हेलो करो, कुछ दिखाओ, आपको कुछ आता है? गुड बॉय है, हेलो कर। वो तो रोता रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। 3 घंटे भी रोएगा क्योंकि उसका टॉय बाहर रख दिया अंदर, तो रोने दो उसे। जुग 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 जुग। और गाइस, मैंने एक वीडियो शेयर करी है जिसमें मैंने 10 फीमेल हाइजीन के प्रोडक्ट शेयर करे हैं, एंड काफ़ी कम लोगों ने देखी है वो। एंड इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, तो मैं उसका लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी देख लेना। एंड टू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। सब्सक्राइब कर देना।